अब बड़का गांव बीजेपी लगेगा। मैं सुधीर सिंह से आग्रह करता हूं कि आप रेस को संबोधित करें। धन्यवाद। आज हमारे एनडीए की संयुक्त बैठक में मैं आदरणीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी का, आदरणीय असम के मुख्यमंत्री जी का जो हमारे प्रभारी भी हैं, आदरणीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बाबूलाल मरांडी जी का, हमारे सहयोगी सांसद गिरिडीह और हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सहित जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं आप सभी का, सारे मीडिया के प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम सभी संयुक्त रूप से इस प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने की घोषणा संयुक्त रूप से करने के लिए सभी को वर्तमान राज्य की परिस्थिति और हमारा लंबा संबंध, ये अलग से विषय नहीं है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पूरे राज्य की कमोबेश बात आई है कि दोनों दलों को साथ में देखना चाहती है और जब दोनों दल साथ में होते हैं तो राज्य और राज्य की जनता के अनुकूल, भावना के अनुकूल परिणाम भी आते हैं। वर्तमान परिस्थिति राज्य की जो बनी हुई है, वर्तमान नेतृत्व जिन्होंने 2019 में इस राज्य का कमान संभाला, मुझे लगता है कि कोई भी वर्ग इस कुशासन से अछूता ना होगा। हर कोई तकलीफ में है और हर कोई इस तकलीफ से निजात चाहता है। वो कोई भी वर्ग आज उसी को लेकर एक दलीय समीकरण के रूप में हम जरूर यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन इससे चूंकि सरकार गठन होना और कल्याणकारी सरकारें चलेंगी, इस कंसेप्ट को ही इन्होंने बदल कर रख दिया है। निजी हित निजी स्वार्थ में लोग कितना दूर जा सकते हैं, मुझे लगता है भारत देश के अंदर में एक ऐसा उदाहरण दलीय रूप से नेतृत्व करता ऐसा बने हैं जिसमें ना शासन ना डेवलपमेंट, ये दोनों ही चीजें विलोपित है। अब उससे आगे इस राज्य की संभावनाओं पर विश्व देश पूरा चर्चा करता है। अब उसी को फिर से एक जवाबदेही के रूप में, एक पॉलिटिकल जवाबदेही के रूप में हम सब मिलके लोगों के बीच एक नया जनादेश के साथ आने की तैयारी हमारी है। जन आशीर्वाद हम सबको लेना है। हम संयुक्त रूप से चुनाव में जाएंगे, एक दूसरे का सम्मान करते हुए हम जाएंगे और सबसे बड़ा सम्मान यहाँ की जनता का हमारा रहेगा। चाहे कोई भी विषय, रीजनल सब्जेक्ट हो नेशनल सब्जेक्ट हो, दोनों हम साथ में लेके चलेंगे। मैं रीजनल दल के नाते कई रीजनल सब्जेक्ट हमारे साथ हैं। मैं झारखंड आंदोलन से लेकर यहाँ तक राज्य के गठन होने और उसके मूल्यों का सुरक्षा, ये हमारी प्राथमिकता है। राज्य की तरक्की के पैमाने पर राज्य को खड़ा करना, ये हमारी प्राथमिकता है और हम लोग मिलके इसको करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और उनके नेतृत्व पर हम आगे बढ़ेंगे, यही हमारा संकल्प है। मैं जो चीजें अभी सामने आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बताया सीट शेयरिंग को लेकर, जो सीट शेयरिंग का संख्या उन्होंने बताया और कुछ सीट शेयरिंग के लेकर कुछ सीटों पर चर्चा चल रही है, ये भी उन्होंने बताया है। हम लोग जो भी करेंगे आपके सामने रहेगा और हम लोग मिलकर करेंगे। बेसिकली है कि राज्य की भावनाओं के साथ इस राज्य में एक बड़ी जीत एनडीए का हो, यही तैयारी हमारी हो। धन्यवाद। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339।